वहीं महाराष्ट्र के पुणे में शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात के बाद महाविकास अघाड़ी में हड़कंप मच गया। कुछ दिन पहले ही पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान शरद पवार प्रधानमंत्री एक मंच पर नजर आए थे, जिसके बाद एक बिजनेसमैन के बंगले पर अजीत पवार और शरद पवार की मुलाकात हुई, वो भी तब जब मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, और इसी बात ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की नींद उड़ा दी और उद्धव ठाकरे से लेकर राहुल गांधी तक के परेशान होने की अटकलें लगने लगी। इस बारे में हमारी चर्चा हुई और ये जल्दी से जल्दी उस बारे में ये भ्रम जो है वो खत्म होना चाहिए, इस पर हम सबका एकमत हुआ है। जल्दी ही हम इस बारे में श्री शरद पवार जी से बात करेंगे। उद्योगपति के घर में जिस तरह से छुप के मिलने का जो तरीका था, गाड़ी में सो के अजीत पवार गए, वो एक संशयास्पद है। मैं खुद आज राहुल जी से मेरी बात हुई, राहुल जी उद्धव जी से भी बात करेंगे और पवार साहब से भी बात करेंगे और उस लेवल पे ये इशू को क्लोज किया जाए। लेकिन शरद पवार ने अजीत पवार से पैचअप की अटकलों पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की। इस मुद्दे पर उनसे सवाल भी पूछे गए, क्योंकि विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को बैठक होने वाली है और इससे पहले उनका अजीत पवार से मिलना विपक्षी एकता के लिए खतरे की घंटी बजा सकता है। सर, अजित पवार जर आपले पुतणे आहेत असं तुम्ही म्हणालात, मग गुप्त बैठक येण्याचं काय कारण होतं? उधर ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर में तख्ता पलट के बाद चीन को बड़ा निवेश डूबने का डर सताने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन नाइजर में फ्रांस के बाद दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है, लेकिन हाल ही में नाइजर में हुए सैन्य तख्ता पलट से चीन की धड़कनें बढ़ गईं। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक चीन को डर है कि अगर नाइजर में जल्द हालात सामान्य नहीं हुए, यानी सत्ता में राष्ट्रपति की वापसी नहीं हुई, तो उसका बड़ा निवेश डूब जाएगा, क्योंकि नाइजर में सेना के सत्ता संभालने के बाद हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि वहां कभी भी गृह युद्ध छिड़ सकता है। ऐसे में नाइजर में जो हिंसा भड़केगी उसकी आग अफ्रीकी महाद्वीप के कई दूसरे देशों में भी फैल सकती है। दावा है कि अगर ऐसा हुआ तो चीन चाहकर भी अपने किए गए निवेश को बचा नहीं पाएगा। ब्रिटेन की मीडिया ने आरोप लगाया कि चीन अफ्रीकी देशों में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों को लूटने की फिराक में है, जिसके लिए उसने नाइजर समेत 15 अफ्रीकी देशों में बड़ा निवेश भी कर रखा है। इसी वजह से चीन भारी नुकसान की आशंका से घबराया हुआ। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नाइजर में तख्ता पलट करने वाली सेना ने सत्ता से हटाए गए राष्ट्रपति पर राजद्रोह का केस चलाने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही वहां की सेना ने नाइजर पर प्रतिबंध लगाने पर पश्चिमी अफ्रीकी देशों की आलोचना भी की। और इसके साथ ही नाइजर की सेना ने यह ऐलान किया कि सत्ता से हटाए गए वहां के राष्ट्रपति पर राजद्रोह का केस चलाया जाएगा, यानी नाइजर की सेना ने तख्ता पलट के बाद अपने इरादे जता दिए कि वो राष्ट्रपति को सत्ता नहीं सौंपेगी, जबकि यूरोप के साथ साथ कई अफ्रीकी देश उस पर लगातार सत्ता छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। हालांकि नाइजर की सेना ने यह भरोसा जरूर दिया कि वो पश्चिमी अफ्रीकी देशों के नेताओं के साथ बातचीत के लिए तैयार है। हाल ही में नाइजर की सेना ने वहां के राष्ट्रपति को नजरबंद कर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि नाइजर में अमेरिकी सेना की मौजूदगी से रूस चिढ़ा हुआ है और इसलिए रूस ने वहां की सेना को भड़काकर सैन्य तख्ता पलट करवा दिया।